मैं किसी बाइक से निकलवा लूं भाई। बात तो करनी होगी, वरना करनी पड़नी होगी। हाँ, मेरे घर वो बाइक से निकलवा के डाल दूंगा जला दूंगा। 4 मई को महिलाओं के साथ हुई अमानवीय घटना का वीडियो वायरल होने के बाद देश की राजनीति में उबाल आ गया है। गुरुग्राम में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला जलाकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सहित मणिपुर सरकार से इस्तीफे की मांग की है। इसके साथ ही देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सरकार पर कई आरोप लगाए। आपको बता दें कि 4 मई को मणिपुर में महिलाओं पर हुए अत्याचार को लेकर गुरुग्राम के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पंकज डावर की अगुवाई में एक जोरदार प्रदर्शन हुआ, जिसमें साफ तौर पर नेताओं ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। पंकज जी, आज पुतला फूंका गया है, क्या पूरा मामला? देखिए, मणिपुर की जो ये घटना, इसने पूरे देश को स्तब्ध करके रख दिया। महिलाओं की ये स्थिति, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरीके की घटना हमारे देश में होगी। आज कानून व्यवस्था का दिवाला पिट चुका है। मैं कहता हूँ कि मोदी जी, शर्म करो, डूब मरो। ऐसी घटना हिंदुस्तान में, जिस हिंदुस्तान का नाम स्वर्ण अक्षरों में विश्व में लिया जाता था, आज शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि वहाँ के लोग भी देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में महिलाओं की क्या दुर्दशा है। क्या आज जंगल राज में जी रहे हम? आप लोगों ने इस घटना, 4 मई की घटना को इतने दिन तक दबाने का काम भाजपा सरकार ने करा, जो बहुत निंदनीय है। मैं कहता हूँ कि संसद को छोड़ो, आप लोग मणिपुर में जाके महिलाओं की आप व्यथा सुनिए, आप उनके पास जाइए, ना कि आपको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी घटना जिसने आज झकझोर कर रख दिया, अगर आपके कैमरे पर मैं बात भी कर रहा हूँ, उस घटना को याद कर रहा हूँ, तो हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि भाई इस तरीके के, आप देखिए सबके घर में महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, इस तरीके की घटना देख के आज शर्म से हमारा सर बिल्कुल झुक चुका है कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर महिलाओं की आज ये स्थिति है, तो ये बहुत ही भयानक है। और 2024 दूर नहीं है, मोदी जी आपका जाना तय है। और मैं बिल्कुल सच्चाई और दिल के साथ कहता हूँ कि आज जो देश की स्थिति है वो बहुत गलत है और देश आज गलत हाथों। सरकार बोल रही है कि बेटी से बन, 4 महीने बाद की एक घटना है, और आज जो सरकार और पक्ष दोनों लगभग 2.5 महीने बाद एक वीडियो वायरल हुई, जिससे पता लगा, क्योंकि इन लोगों ने तो छुपाने का प्रयास कर लिया। मणिपुर में इनकी सरकार, इनका मुख्यमंत्री, सब कुछ तामझाम इनका, उसके बावजूद इस घटना को दबाने का काम किया। तो आप देखिए, कहीं ना कहीं सरकार की मंशा गलत है, लेकिन सच देर हो सकती है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आप कितना भी छुपा लो, सच सदा जनता के सामने आता है। और इस घटना की, इस जो ये घटना हुई है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये मान के चले कि सरकार वहाँ पर जो हिंसा हो रही है उसको पूरी तरह से देश के सामने नहीं ला रही। ये जो इस देश में इस समय सरकार चल रही है, वो पूरे देश से सब चीज़ों को छुपाने का काम करती है, और खासकर ऐसी घटनाओं को। आप महिलाओं के लिए नारा देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरीके के नारा, ऐसे बचाओगे आप बेटियों को? ये इस तरीके से बचाओगे? आज बेटियों का क्या हालात है, क्या एक्शन ले लिया आपने? तो ये तो सिर्फ 2 महिलाओं की अभी सामने आई ये वीडियो, ना जाने भगवान ना करे कि और किसी के साथ ऐसी घटना, और इस तरीके से निर्वस्त्र करके महिलाओं को घुमाया, इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या होगी। मैं फिर कहता हूँ कि डूब मरो, ऐसी सरकार नहीं चाहिए हमें देश। देखिए, सबसे पहले मैं आप पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद कहना चाहूंगी, जो आप हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमसे जुड़े, हमारे साथ आए। ये पुतला इसलिए फूका गया है, 4 मई की घटना है मणिपुर में, 2 महिलाओं को नंगा करके, निर्वस्त्र करके एक पूरी भीड़ ने उनको घुमाया, जो कि मैतेई समुदाय से संबंधित थे, जो आरोपी थे, और पुलिस, वहाँ के पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया। पिछले 2 महीने बीत चुके, वहाँ के मुख्यमंत्री ने कोई संज्ञान नहीं लिया। आखिर में मामला इतना तूल पकड़ा गया, आखिर में सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वहाँ के मुख्यमंत्री को कार्रवाई के लिए बोला गया। अब देखते क्या होता है, ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इस बात को देखते हैं कि महिलाओं के साथ इस तरह की व्यवस्था देखी गई है मोदी जी सरकार में, कि जहाँ महिलाओं को सस्पेक्ट रूप में देखा जाता है। देखिए, सबसे पहले तो जो मैं एक महिला होने के नाते मैं पूरी तरह से स्तब्ध हूँ, परेशान हूँ इस तरह की घटना को सुनकर, देखकर। देखिए, ये हमारे प्रधानमंत्री, मैं इसको एक ध्रष्ट राष्ट्र कहना चाहूँगी, महिलाओं के साथ इतना बुरा व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं।
वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनका नारा कहाँ गया? उनके राज में इस तरह से बेटी और हमारी महिलाओं के इस तरह से निर्वस्त्र करके घुमाया गया, ये तो महाभारत काल में भी नहीं हुआ था। द्रौपदी का चीर हरण हुआ था लेकिन सामूहिक दुष्कर्म और इस तरह से नंगा करके द्रौपदी को भी नहीं घुमाया गया था। मैं तो कहूँगी वहाँ के मुख्यमंत्री पूरी तरह से फेल हो चुके, हमारे गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि हम सुरक्षित महसूस कर सके। और हम कहेंगे 2024 में हम इस सरकार को भी गद्दी से उतारेंगे क्योंकि हम पूरी तरह से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।